बांदा जेल में बंद माफिया डॉन और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या का नया मामला दर्ज हुआ है। मुख्तार अंसारी पर दर्ज हत्या का ये ताजा मामला 22 साल पहले चर्चित उसरी चट्टी कांड में मारे गए मनोज राय नाम के शख्स के पिता शैलेंद्र राय ने दर्ज करवाया है, जिसमें उन्होंने मुख्तार अंसारी समेत 5 लोगों के खिलाफ अपने बेटे की हत्या का आरोपी बताया है। मुख्तार अंसारी और उसके 4 अन्य साथियों पर जिसकी विवेचना प्रचलित है, साक्ष्यों के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। उसरी चट्टी कांड में मारे गए मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय ने मुख्तार अंसारी पर बेटे को घर से ले जाकर हत्या करने का आरोप लगाया है और मुख्तार के गुर्गों ने घर आकर उन्हें धमकाया भी था, जिसके सबूत शैलेंद्र राय ने पुलिस के सामने पेश किए, जिसके बाद मोहम्मदाबाद थाने में मुख्तार के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है। मृतक मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय ने मुख्यमंत्री और DGP समेत कई अफसरों से मामला दर्ज करने की गुहार लगाई, जिसके बाद शिकायत निवारण व्यवस्था के तहत मुख्तार के खिलाफ FIR दर्ज हुई। उत्तराखंड में निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए ऋषिकेश में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है। उत्तराखंड में भाजपा निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। यही वजह है कि 29 और 30 जनवरी को ऋषिकेश के मुनि क्यूरेती में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। इस बैठक में संगठन की मजबूती को लेकर कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया जाएगा, जिससे निकाय और लोकसभा चुनाव में पार्टी पहाड़ पर बेहतर प्रदर्शन कर सके। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का पूरा प्लान आपको समझाते हैं। दरअसल इस बैठक में पार्टी के आगामी 3 महीने के एजेंडे तय होंगे। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में कई कार्यक्रम तय हुए थे। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उन कार्यक्रमों पर मंथन होगा। भाजपा कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में लाया जाएगा, जिससे निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए संगठन मजबूत हो सके। आगामी G20 की बैठक भी ऋषिकेश में ही होनी है। प्रदेश भाजपा संगठन फीडबैक लेकर केंद्रीय संगठन को देगा। उत्तराखंड की प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है वो मुनिक्रेती में 29 और 30 जनवरी को होना सुनिश्चित हुआ है और इससे बाद हमारी जिलों की कार्य समिति की बैठक भी होनी है। इन तैयारियों से पहाड़ पर निकाय और लोकसभा चुनाव के जंग में भाजपा विरोधियों को चित कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। देहरादून में भाजपा IT सेल की बैठक हुई है। इस बैठक में भी निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर IT सेल की बड़ी बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में प्रदेश भर के IT सेल के पदाधिकारी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि IT सेल की बैठक में जिन्हें आगामी चुनावों में पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए किस तरह से काम करना है, इसको लेकर जानकारी साझा की गई। बैठक में जिन मुद्दों पर मंथन हुआ वो भी आपको समझा देते हैं। IT सेल की बैठक में सोशल मीडिया की नीतियों पर चर्चा, निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन, धामी सरकार 2.0 के 1 साल के कार्यकाल पर चर्चा, 1 साल पूरे होने पर सरकार के कई कार्यक्रम संभव, मार्च में धामी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे हो रहे हैं, सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल पर मंथन। जो टेक्निकल लोग हैं उनके साथ भी चर्चा रहती है और नॉन टेक्निकल लोग हैं जो हमारे साथ और वॉलंटियर्स हैं उनको लेके हम प्लानिंग करते रहते हैं। इस साल होने वाले निकाय चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव पर भाजपा की नजर है। पार्टी तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष को हावी होने का कोई मौका नहीं देना चाहती है। ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाना भाजपा की बड़ी रणनीति माना जा रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।